पे कैंप लगा। हम आर्मी के बड़े शुक्रगुजार हैं जिन्होंने आज मेडिकल कैंप लगाया है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका पुकार न्यूज में। मैं हूं मीनू शर्मा। तो आइए नजर डालते हैं आज के खास समाचार पर। मेंडल गनर्स ने 17 मार्च 2021 को मानकोट में मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। एस ऑफ स्पेस डिवीजन के तहत मेंडल गनर्स ने नियंत्रण रेखा के पास दूर दराज के क्षेत्रों के निवासियों के लिए गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल मानकोट तहसील मेंडल जिला पुंछ में एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से चलाया। इसमें विशेषकर बुजुर्ग आबादी और अशांत क्षेत्र के बच्चों और वर्तमान कोविड-19 स्थिति को ध्यान में रखते हुए यहां उपस्थित लोगों को मुफ्त दवाइयां, मास्क और सैनिटाइजर वितरित किए। ऑपरेशन नमस्ते के अंतर्गत कोविड-19 टीकाकरण अभियान के बारे में स्थानीय आबादी को शिक्षित किया गया और टीकाकरण से जुड़े सभी मुद्दों को दूर किया गया। सभी उपस्थित लोगों को कोविन प्लेटफॉर्म पर खुद को पंजीकृत करने और मास्क का उपयोग, लगातार हाथ धोने और सामाजिक दूरी को जारी रखने के बारे में प्रोत्साहित किया गया। नियंत्रण रेखा पर ऑपरेशनल परिस्थिति और राज्य में कोविड-19 मामलों के पुनरुत्थान के साथ साथ स्थानीय लोगों को सीमा पार से गोलाबारी का दोहरा खामियाजा उठाना पड़ रहा है और यहां पर गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सुविधा की सीमित पहुंच है। इसलिए ये पहल क्षेत्र के दूर दराज के गांव के निवासियों के लिए एक वरदान साबित हुआ है और स्थानीय नागरिकों द्वारा इसे व्यापक रूप से सराहा गया है। यहां इस शिविर में अपर तथा लोअर मानकोट और आसपास के गांव के लगभग 200 निवासी आए थे। मेंडल गनर्स स्थानीय लोगों की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है और इस तरह के स्वास्थ्य और सुरक्षा अभियानों के माध्यम से नागरिकों को मानवीय सहायता प्रदान करना जारी रखेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए आइए देखते हैं मेंडल से हमारे संवाददाता मोहम्मद यकूब की ये रिपोर्ट। इंडियन आर्मी के यहाँ पे मेडिकल कैंप लगा है और यहाँ पे बहुत सारे लोग भी आए हैं दवाई लेने के लिए। मज़ीद हम इस इंडियन आर्मी के शुक्रगुजार हैं और ये और कैंप भी आगे ऐसे ही लगने चाहिए। तो क्या कहें, मेंडर में मज़ीद कैंप लगने चाहिए। हमारे यहाँ पे कैंप लगा। हम आर्मी के बड़े शुक्रगुजार हैं जिन्होंने आज मेडिकल कैंप लगाया है और हमारे सिविलियन लोग काफ़ी तादाद में आए हैं, इनको अच्छी दवाई मिली है। हम आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों तक ये पैगाम पहुँचाते हैं कि आप जब भी कोई आर्मी का ऐसा कैंप लगे को आप यहाँ आएँ और अच्छी दवाई देते हैं, आपको दवाई लेनी चाहिए। और अभी कोरोना वायरस जो चल रही है, अभी दोबारा मौसम चेंज होने की वजह से ये फिर बीमारी आ सकती है, लिहाजा आप अपने हाथ अच्छी तरह वाश करें, धोएं जब भी बाथरूम में जाएं और साबुन के साथ धोएं और अपने आप को सेफ रखें। हम आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि आर्मी वालों को कि मज़ीद और भी कहीं कैंप लगने चाहिए कि इस कैंप से लोगों को बहुत बड़ा फायदा। सारी लोगों ना गरीब गरीबा ना मदद हो जाए जी। चलो जी, आर्मी और कैंप लगे ना गरीब गरीबा ना, चलो जी मदद होनी चाहिए। चलो जी, आर्मी और कैंप लगे तो चलो गरीब गरीबा ना मदद होनी चाहिए। दवाई की और टिका की और जी बीमारा की दवाई हर किस्म की। आर्मी बहुत अच्छा काम कर रही है और ताजे ये अगला साल फिर होवे, फिर मदद करन, बहुत गरीबों की मदद कर रहे हैं जी। बिल्कुल कर सा, शुक्रिया फौज ने, बहुत शुक्रिया अदा है कि ये दवाई अच्छी मिली है। हमारे पास, हमारे को बहुत अच्छा, आर्मी हमारे साथ बहुत कुछ कर रही है, हमको दवाई फ्री दे रही है और इधर हमारी हिफाजत कर रही है, हमको अच्छे ढंग से हमारे साथ बर्ताव हो रहा है। जो है वो साढ़े पास नाल बहुत साथ दे रही है, गरीब गुरबे वास्तव दवाइयाँ सब कुछ पहुँचाई रही है और आंदा थी बाद इसी तरह और भी काम चलना रहता। ठीक है, बहुत अच्छी है अस आर्मी ने नाल बड़ा सहूलत है असें। ठीक है जनाब, आर्मी ने बहुत सहूलत है असें, दवाई गरीब गुरबी बहुत दवाई देनी और सहूलत देनी, जे की देनी सब कुछ देनी, साढ़े ना बड़ा अच्छा सलूक बरतने जनाब, ठीक ठाक न। अगर पिछले और भी कैंप लाओ तुस देने के लोगों की सहूलत हो, गरीब गुरबी दवा दारू मिले तो लोग दवा देने अच्छू तुसें। Thank you.